हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आप सभी हमारे साइमोमेजिटेक मोबाइल एप्लीकेशन में शॉर्ट हैंड टाइपिंग डिक्टेशन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की प्रैक्टिस को। स्टार्ट। धारा 21, सिविल प्रक्रिया संहिता बताती है कि अदालत के अधिकार क्षेत्र में सभी आपत्तियों को जल्द से जल्द संभव अवसर पर ट्रायल कोर्ट कोष्टक विचरण न्यायालय कोष्टक बंद में दर्ज किया जाना है। पूर्ण विराम। धारा 21 की उपधारा कोष्टक शुरू 1 कोष्टक बंद और कोष्टक शुरू 2 कोष्टक बंद क्रमशः सिविल न्यायालयों के क्षेत्रीय और आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। पूर्ण विराम। कोई भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय क्षेत्राधिकार पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं करेगा। अल्पविराम। जब तक कि आपत्ति या तो प्रथम दृष्टया न्यायालय में दर्ज नहीं की जाती है या फिर जल्द से जल्द संभव समय पर। पूर्ण विराम। किसी भी मामले में अल्पविराम मामले के निपटारे से पहले आपत्ति दर्ज करनी होगी। पूर्ण विराम। अपीलीय न्यायालय आपत्ति पर तभी विचार कर सकता है जब गलत अधिकार योजक चिन्ह क्षेत्र के कारण गंभीर पूर्वाग्रह हुआ हो। पूर्ण विराम। अधिकार क्षेत्र संबंधी दोष आपत्ति किसी भी डिक्री आदेश को पारित करने के न्यायालय के अधिकार पर सवालिया निशान खड़ा करती है और इस तरह के दोष को पक्षकारों की सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। पूर्ण विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने चीफ इंजीनियर हैंडल प्रोजेक्ट बनाम रविंद्रनाथ अल्पविराम के मामले में निर्धारित किया कि एक बार मूल डिक्री आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना पारित करने और कोरम नॉन जुडिस के सिद्धांत से प्रभावित होने के
बाद अल्पविराम केवल इस आधार पर इसे बनाए रखने का कोई सवाल ही नहीं होगा कि अधिकार योजक चिन्ह क्षेत्र संबंधी आपत्ति प्रारंभिक स्तर पर अल्पविराम प्रथम अपीलीय या द्वितीय अपीलीय चरण में नहीं लिया गया था पूर्ण विराम, जब अधिकार योजक चिन्ह क्षेत्र को प्रतिबंध करने वाला कानून कोई वैकल्पिक उपचार ना प्रदान करता हो। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अजंता ऑगस्टिन में निर्धारित किया कि जब अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने वाला कानून वैकल्पिक उपाय प्रदान नहीं करता है तो दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं किया जा सकता है पूर्ण विराम। इस प्रकार एक निश्चित व्यवस्था तैयार की गई है जिससे आम जन को सुविधा भी रहे और अस्त व्यस्तता भी उत्पन्न ना हो पूर्ण विराम। साथ ही विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग न्यायालयों को अधिकार योजक चिन्ह क्षेत्र प्रदान कर नागरिकों को शीघ्र न्याय प्रदान करना भी ध्यान में रखा गया है पूर्ण विराम। श्रम न्यायालय अल्पविराम, उपभोक्ता आयोग अल्पविराम, पारिवारिक न्यायालय अल्पविराम आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं पूर्ण विराम। भारत में किसी भी अपराध के अभियुक्त को दोष सिद्धि से पूर्व एवं अपील के लंबित रहते हुए जमानत पर छोड़े जाने के प्रावधान हैं पूर्ण विराम। हालांकि यह प्रावधान जमानतीय अपराध के मामलों में लागू होते हैं पूर्ण विराम। गैर जमानती अपराधों में जमानत देना अदालत का
विवेकाधिकार होता है अल्पविराम। ऐसे मामलों में अभियुक्त की परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालतों द्वारा जमानत दी जाती है पूर्ण विराम। समय योजक चिन्ह समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय एवं भिन्न योजक चिन्ह भिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत दी जाती है पूर्ण विराम। समय समय पर न्यायालयों द्वारा जमानत की विधि पर परिवर्तन हेतु अपने मत दिए गए हैं पूर्ण विराम। टाइपिंग समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो से आपकी टाइपिंग स्किल में फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें आगे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।